दोस्तों कैसे हैं? आज जो वापस अपडेट लेके आया हूँ वो यस बैंक पे लेके आया हूँ। और यस बैंक में आप देखेंगे कि वापस थोड़ा सा आज गेन देखने को मिला है उसमें। और यस बैंक जो क्लोज हुआ है वो 3% अप होकर के 178 पे आपके क्लोजिंग दिया है। तो जस्ट मिनट, 1 मिनट, इस पे 180 पे क्लोजिंग दिया है। एक जस्ट मिनट आप देखेंगे तो 3% अप होकर के 5.65 पॉइंट अप होकर के 180 रुपये 35 पैसे पे क्लोज दिया है। और वॉल्यूम वेटेड एवरेज से देखें तो अच्छा है, लेकिन वॉल्यूम आप देखेंगे तो बहुत अच्छा हुआ है। इसमें वॉल्यूम 8 करोड़ 7 करोड़ 95 लाख 66 हज़ार 67 शेयर के आसपास हुआ, मतलब 8 करोड़ शेयर के आसपास हुआ है। आज का लो था 168 और हाई था 181। इनफैक्ट ये न्यूज इसलिए है कि एक्चुअल में इन्होंने 9 जनवरी तक बताया है कि ये अपना नया जो चेयरमैन है सीईओ वो डिक्लेयर करेंगे। और सीटी ने एक रिपोर्ट दिया है कि अगर वो इंटरनल को आदमी होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा रेदर देन बाहर का आदमी। और ब्रह्मदत्त करके हैं जो कि इंट वो 9 जनवरी 2013 से कुछ काम कर रहे हैं, तो वो शायद इनके मेंबर शायद चुने जाएंगे। तो यस बैंक के अगर इस रिपोर्ट को देखें तो यहाँ से आपको पता चलेगा यस बैंक गेन 3% एज ब्रह्मदत्त कुड बी पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। ऐसा बताया जा रहा है कि शायद हो सकता है कि ब्रह्मदत्त जो 9 जनवरी को डिक्लेयर होगा, आप देखेंगे यहाँ पे तो इन्होंने बोला है कि यस बैंक बोर्ड टू फाइनलाइज सीईओ कैंडिडेट एट जनवरी 9 मीटिंग। बोर्ड मीटिंग है इनका जनवरी 9 को, तो वहाँ पे ये फाइनल कर देंगे कौन होगा। बट ऐसा प्रडिक्शन चल रहा है कि शायद ब्रह्मदत्त होगा, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में ब्रह्मदत्त होंगे। और अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे उन यहाँ ने मैसेज भी दिया है कि यस बैंक सेड इट विल डिसाइड ऑन द सक्सेसर ऑफ फाउंडर राणा कपूर एट इट्स बोर्ड मीटिंग ऑन जनवरी 9। आफ्टर द मीटिंग द बैंक विल सेंड द नेम टू द कैंडिडेट टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बोर्ड मीटिंग 9 जनवरी को है और उसके बाद वो भेज देंगे वो। और जैसा कि आपको यहाँ पे बताया कि यस बैंक शेयर्स गेन 3% इन मॉर्निंग फ्राइडे आफ्टर ए मीडिया रिपोर्ट सजेस्ट दैट ब्रह्मदत्त कुड बी ए पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द लेंडर। ऐसा बताया जा रहा है कि ये पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। करंटली ब्रह्मदत्त इज सर्विंग एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द बैंक सिंस 24 जुलाई 2013। सोर्स सेट सीएनबीसी टीवी दैट दैट इज लाइकली टू बी द पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर लेंडर। तो यहाँ पे ऑलरेडी यस बैंक में काम कर रहे हैं वो एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो शायद वो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में शायद ये काम करेंगे, ऐसा सीएनबीसी टीवी18 का न्यूज़ में था। और खुद जो बताया गया वहाँ पे इन ए बैंक स्टेटमेंट सेड दैट दे आर ऑन ट्रैक टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑन टाइम। वो बता रहे हैं कि वो उस ट्रैक पे चल रहे हैं और उन्होंने एक ह्यूमन रिसोर्स एजेंसी कॉर्न फेरी को हायर किया है जो कि उनको हेल्प कर रहा है उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को फाइंड आउट करने के लिए। अब इसमें एक सिटी एक एजेंसी है, बाहर की एजेंसी है जो मैनेजमेंट फर्म होती है जो न्यूज़ वगैरह बताती है। तो सिटी ने इसमें ऑब्जर्वेशन दिया है। सिटी सेड इफ आरबीआई अप्रूव्स इंटरनल कैंडिडेट एज सीईओ इट विल बी बिजनेस एज यूजुअल। अगर सिटी अपने इंटरनल कोई भी सीईओ को फाइनल करती है जो ब्रह्मदत्त जैसे अगर फाइनल होते हैं तो बिजनेस एज यूजुअल चलेगा। तो बिजनेस एज यूजुअल चलेगा तो मतलब फिर बिजनेस में जिस कारण से गिरावट आई थी शायद वो अपसाइड देखने को मिल सकता है। बट इफ एक्सटर्नल कैंडिडेट अप्रूव देन इट विल कुड बी ए ट्रिकी सिचुएशन। अब एक्सटर्नल होगा तो कौन होगा, क्या फेमस है, कितना नाम है उसका, नहीं है नाम, अगर भले कोई अच्छे नाम आ जाते हैं तो फिर गेन होगा, अदरवाइज पोजिशन टफ हो सकती है। तो द रिसर्च हाउस फीस दैट स्टॉक में रिमेन रेंज बाउंड डिस्पाइट लो वैल्यूएशन। इतने लो वैल्यूएशन के बावजूद रिसर्च हाउस ये मान रही है कि ये लो वैल्यूएशन के आसपास ट्रेंड करेगा, मतलब 160 से 185, ये 190 मैक्सिमम, इसी रेंज में ट्रेवल करेगा, 160 से 195 के बीच में ट्रेवल करेगा। तो ये रिसर्च हाउस का अपना कहना है। और यहाँ पे देखिए सेंटिमेंट 50% बाय 50-50 हो चुका है, ऑलरेडी न्यूट्रल हो चुका है। और एक चीज़ देखेंगे तो आज देखेंगे कि यहाँ पे एक ब्लॉक डील हुई है एनएससी पे 4,29,173 रुपये 45 पैसे पर, 9/32 को एक ब्लॉक डील भी हुई है। ये सब तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या सोचना चाहिए इसके बारे में। और एक चीज़ बता दो पहले, उसके बाद हम सोचेंगे क्या सोचना है।
तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम वेटेड एवरेज देखेंगे तो जो इसकी क्लोजिंग हुई है 176 रुपये वॉल्यूम वेटेड एवरेज बोलता है, और उससे अपर साइड में जाके क्लोज हुआ है 180 पे क्लोज हुआ है। तो जैसा रिसर्च हाउस ने बोला है ना कि इसमें कोई रेंज बाउंड ही रहेगा 9 जनवरी तक, तो वो सही है, ये रेंज बाउंड ही काम करने वाले हैं। आपको नीचे 165 दिखाएगा और 190 दिखाएगा, तो आप भी इसी रेंज बाउंड में इसको खेलते रहें। और लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मेरे अंदाज से इसमें बाय पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि मुझे अभी भी बिलीव है कि इंटरनल सीईओ जैसे बताने लगे वो कि ब्रह्मदत्त इंटरनल आदमी है, तो वैसे ही कोई फाइनल होगा, और नहीं तो राणा कपूर से ही कोई रिलेटेड न्यूज आएगी, तो बैंक में एक आपको उछाल देखने को अच्छी खासी मिलेगी। आज भी मैं इस पर पॉजिटिव हूँ, लेकिन आपको वापस ये 165 पे मिले तो जरूर से जरूर बाय करें। वेटेड एवरेज जो सिम्टम बता रहा है आपको बता दिया, इसमें पॉजिटिविटी बता रहा है, और अगर चार्ट पे भी देखें तो चार्ट पे भी देखिए एक अप ट्रेंड ही ठीक है, नॉर्मल अप ट्रेंड है, बट एक अप ट्रेंड की ओर ही बता रहा है, वो बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड की ओर नहीं बता रहा है। यहाँ पे अगर लास्ट मोमेंट पे देखेंगे तो ठीक है, 13-12 को ये डाउन हुआ, ये फिर डाउन हुआ, 14-12 को डाउन हुआ, बट ये देखिए ये इसके ऊपर जाके इसको कवर भी कर लेता है। तो यहाँ पे तो वो बुलिश की रिवर्सल आई थी, बट यहाँ पे वापस एक गेन करके ये एक पॉजिटिव में जाना जाता है, और अगर एक बार ये 186-187 क्रॉस करता है तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे 192-195 वापस दिखा दे। तो शॉर्ट टर्म में आप यही कर सकते हैं, 195 मैक्सिमम है इसमें और नीचे 165 है, ये रेंज बाउंड में ये प्ले करते रहेगा। नीचे मिलता है तो बाई कीजिए, ऊपर आपको अभी टाइमिंग 9 जनवरी तक या 7 जनवरी 8 जनवरी तक इसको वैसे ट्रेड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज की जो क्लोजिंग इसने दी है वो 180.35 पे दिया है, और ये अगर मूविंग एवरेज इसके 9 कैंडल 21 कैंडल देखे तो इसका 184 जो होता है, 184 मैंने 185 अगर एक बार ये पास करता है तो फिर से आपको ये जो ये लेबल है यहाँ पे 185, तो आपके लिए हो सकता है कि वो 192-195 वापस दिखा दे। तो इसी रेंज में रेंज बाउंड ही चलेगा ये। और ये देखिए वापस जो कल अपसाइड दिखा रहा था यहाँ पे, अब देखिए ये वापस यहाँ पे नीचे की ओर भी दिखा रहा है। तो इसमें कुछ दिन के लिए जब तक 9 जनवरी तक इसका फाइनल नहीं होता है तो ये शेयर आपको रेंज बाउंड में चलेगा, खुद ही इस फर्म हाउस रिसर्च हाउस बता रहे हैं। तो मैं भी ज़्यादा इसमें क्योंकि जिस न्यूज़ के चलते इसको गिरना है या चलना है वो वही है डायरेक्ट, कौन उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चेयरमैन फाइनल होता है, और जैसा लग रहा है कि ब्रह्मदत्त फाइनल होंगे, अगर मीडिया में कहीं ना कहीं है न्यूज 18 में बोल रहा है तो शायद वो इंटरनल है, सिटी अगर बोलता है इंटरनल लोग रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो आप खुद गेस कीजिए कि जब सब वैसा ही होने वाला है जैसा राणा कपूर चाह रहे हैं तो शेयर में वापस अपने रीगेन करने की क्या सिटी रखता है, और वापस ये 225-240 दिखाने की कोशिश कर सकता है। तो लोअर साइड में इसको बाय करें, अपर साइड में अभी 195 के पास सेल करें अगर आपने ऊपर लेवल पे है। ये ट्रेडिंग व्यू है, लॉन्ग टर्म पोजिशन के लिए इसको बाय करना चाहिए, पोजिशनल पॉइंट से अभी भी मेरा वही है बाय करना है इसको। और शॉर्ट टर्म के लिए आप 165, 190, 160, 195 इस रेंज में इसको आप ट्रेवल करते हुए देखते रहेंगे। किसी भी हालत में मुझे नहीं लगता है कि ये जो लास्ट 165, 168, 163-160 तोड़ा था ये इससे नीचे जाएगा, और ये ऐसा भी नहीं लग रहा है कि अभी 185 भी क्रॉस करेगा, करता है तो 195 उसके बाद आपको देखने को मिलेगा, ये इसी रेंज में प्लस माइनस होते रहेगा। ये चूंकि केवल यहाँ पे जो अपडेट न्यूज आई थी इसके बारे में तो सोचा आपको न्यूज़ बताना जरूरी है, इसी न्यूज़ अपडेट कर दिया आपको। और ट्रेंड जो दिख रहा है अभी हो सकता है कि 1-2 दिन के लिए आपको अपडेट दिखे, तो वापस आप देख लीजिए। एक तो पहला इन्होंने 9 जनवरी तक का टाइम लिया है, और ऐसा प्रेडिक्शन चला कि ब्रह्मदत्त कुड बी अ पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, ये दो न्यूज़ था, इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। बाकी आप अगर जैसा आपको दिखा दिया यहाँ पे वेटेड एवरेज में तो ये प्लस बता रहा है, 4 रुपये प्लस बता रहा है, तो हो सकता है कि इसमें आपको थोड़ी सी 5-6 रुपये के अपसाइड को नीचे साइड को देते रहे दिखाते रहे। डेरिवेटिव में भी अगर एक बार देखना चाहें तो आप इसका पोजीशन जो बन रहा है यस बैंक में क्या बन रहा है, तो यस बैंक में देखेंगे कि यहाँ पे आप 180 के आसपास कॉल में बाइंग हो रही है, जो 10 रुपये 50 पैसे का लास्ट ट्रेड है आज का, कॉल राइटिंग हो रही है और पुट के और अनवाइंडिंग हो रही है, और 160 पे जाके पुट पे कॉल राइटिंग हो रही है। तो 160 से 185 यही रेंज मैंने आपको बताया, और इसी रेंज में ये लगता है अभी ट्रेवल करेगा, कोई भी पोजीशन फर्दर नहीं बन रही है। लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा जो पोजीशन है वो दो पोजीशन पे है, एक 220 पे 76 लाख का जहाँ से अनवाइंडिंग चल रहा है, और दूसरा बड़ा है 82 लाख का। तो इस महीने में मुझे नहीं लगता है कि ये 82 भी क्रॉस
कर पाएगा या 185 क्रॉस कर पाएगा, या उसके बाद 200 भी है 89 का, सॉरी सबसे ज़्यादा 89 का है, वो 200 पे है, तो मुझे नहीं। लेकिन आज इस पर अनवाइंड हो रहा है, कॉल की अनवाइंडिंग हो रही है, मतलब लोग को अब बिलीव हो रहा है कि अब 9 जनवरी को ही होना होगा जो होगा। तो 200 पे सबसे 200 क्रॉस ये नहीं करेगा, किसी हालत में नहीं करेगा ये महीने, और नीचे 160 नहीं तोड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सपोर्ट अगर देखेंगे तो 31 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, वो है आपको 160 पे। तो ये 160 से 200 करेंगे ये रेंज में, ये पूरा महीना निकाल देगा आपको। इस बीच में जिस पे पोजीशन बनानी हो, आप अगर शॉर्ट करके जानते हैं, खेलना जानते हैं, तो आप शॉर्ट करके खेल सकते हैं इसमें। आप देखिए 155 का आपको 2.35 में मिलता, आप शॉर्ट कर दीजिए, इतना नीचे जाएगा नहीं। और ऊपर का अगर 220-225 का कॉल देखें, आपको हाईएस्ट क्या मिल रहा है, 205 का 2.65 रुपये पे मिल रहा है, आप इसको शॉर्ट करके खेल सकते हैं। इनफैक्ट 200 रुपये को भी शॉर्ट करके खेल सकते हैं, तो 195 भी मेरे अंदाज से आप शॉर्ट करके चलें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो अगर शॉर्ट करके खेलना चाहते हैं, बट उससे फ्यूचर मार्जिन ब्लॉक होता है, इसलिए वो रिस्की होता है, रेदर देन आप बाय करके चलें। बाय करके चलेंगे तो कम पैसा लगेगा, शॉर्ट करेंगे तो फ्यूचर का मनी ब्लॉक होता है, इसलिए वो रिस्की ट्रेडर के लिए है। लेकिन 200 के ऊपर हो सकता है आप शॉर्ट करके चलें, नहीं पहुंचने वाला है, और 160 के नीचे भी नहीं जाने वाला है, तो आप 160 के नीचे भी पुट साइड शॉर्ट कर सकते हैं, 200 के ऊपर कॉल साइड शॉर्ट कर सकते हैं, ये शॉर्ट करके चल सकते हैं। अदरवाइज किसी को पोजीशन बनानी हो वापस, तो 180 पे ही पोजीशन बना के खड़े रहे तो ज़्यादा अच्छा जाएगा, जो कि एट द मनी है, 180 का एट द 27 दिसंबर को एट द मनी 180 का है, ये पोजीशन पर है। तो भी आपको अगर 10.50 यहाँ पे है, और यहाँ पे पुट पे आपको 9.80 है, 19-20 रुपये का आपको खर्चा है इसमें। जिस ओर जाएगा आपको देख फायदा मिलेगा, मिलते रहेगा, देते रहेगा, ऊपर नीचे करते रहेगा। ये दोनों साइड आपको कॉल पुट पे 180 पे बाय पोजीशन बना करके भी देख ट्राई कर सकते हैं, जहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट आपको 10 रुपये इधर और 9 रुपये इधर, तो 19 रुपये से 20 रुपये का और 1750 का लॉट होता है, तो 34-35 हज़ार का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। बट ये इन्वेस्टमेंट करने के पहले, ये सिर्फ पेपर ट्रेडिंग है, एजुकेशनल पर्पज से है, ये कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। इसमें अच्छा क्या है कि लोअर लेवल पे जब जाता है, 165 जाता है, 170 जाता है, तो आपको वहाँ बाइंग करनी चाहिए। अब अगर मैं 160 बोल दूँ आपको, तो आप सारा उसी का वेट मत करना कि 160 पे जाएगा तो बाय करना है। अगर आपको 160 पे 100 क्वांटिटी बाय करना है, तो 170 पे आप 20 बाय कीजिए, फिर 165 पे आप 20 बाय कीजिए, और 160 पे पूरा 60 बाय कर लीजिए, तो आपका 100 हो जाएगा। इससे वेटेड एवरेज, क्योंकि एकदम मार्केट कहाँ तक जाएगा ये प्रेडिक्ट करना, एस्टिमेट करना बहुत ही कम होता है, और जब ये ऊपर जाए तो आप एग्जिट भी करते जाएं। तो ऐसे रेंज ट्रेडिंग, अगर रेंज में खेलना है इसको, तो आप ऐसे रेंज में बाय कॉल करके खेल सकते हैं। डेरिवेटिव में पोजीशन बता दिया, तो ये जो रेंज अभी बाउंड होकर रहेगा 160 से 200 के रेंज में, ये पूरा दिसंबर हो सकता है निकाल देगा यहाँ पे। तो यस बैंक में एक छोटा सा अपडेट था, यही था। कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।